हेलो जी, हेलो 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 जी। हेलो जी, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया जी, बढ़िया ही होना चाहिए। आप सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्र। आपको भी जी, आपको भी सब ठीक है जी, माता रानी की कृपा हम सब पे बनी रहे। पे। ठीक है जी, चलो आज हम बना रहे हैं जी खीर। खीर हम बना रहे हैं जी, ये देखो, ये जो चावल होते हैं व्रत वाले, और ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको, जिनको ये नहीं प्रमोशन पता, नहीं है। अच्छा प्रमोशन नहीं है। और ये मैंने लिया है, हमारे ओटवा में है बॉम्बे स्पाइस, वहाँ ये सारी चीजें मिल जाती हैं। इसलिए बता रही हूँ कि अगर यहाँ के किसी बच्चे ने लेना हो तो वो यहाँ से ले सकते वहां पे हैं। तो 5 स्टार वाली चॉकलेट भी मिल जाती है। सब कुछ मिल जाता है। हाँ जी, हाँ। अब ये देखो जी, मैंने क्या किया है, ये आधा कप था, ये आधा कप था इसका, चावलों का। मैंने इसमें माइक्रोवेव में डाला और इसमें इसके 5 कप पानी के डाल दिए, ये वाले। ठीक है जी। ठीक है ना, मतलब 2.5 कप हो गए। हाँ जी, आधे कप में ये ढाई कप आधा कप, पानी। ये वाले 5 इसमें डाल के 10 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव में रख दिया। ठीक है जी। मैंने कहा शॉर्टकट रास्ता बनाते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। ठीक है, मैं जब इनका पुलाव भी बनाती हूँ, क्योंकि ये चावल ना वहाँ मिलते रहते हैं, हम अक्सर घर में भी बना लेते हैं। जो बनते बड़े स्वाद हाँ, हैं। बनते बड़े स्वाद हैं ये तो। कभी मन करे बिना व्रत के भी हम ये खा लेते हैं चीजें, कभी कभी चेंज के लिए। तो ये मैं ये कर लिया जी माइक्रोवेव च। अगर आपने माइक्रोवेव में नहीं करना तो आप नॉर्मल अपने पैन में पानी डाल के इसको कुक कर लो। ठीक है, और ये जो मेरा बर्तन है, ये फिर कई बार कुछ कमेंट्स आ जाते हैं कि ये कैसा है, तो ये ये माइक्रोवेव, मेरे ये जितना होता, माइक्रोवेव सेफ है, टपरवेयर का इसकी है। उम्र मेरे जितनी है। हाँ, बहुत पुराना है ये, बहुत पुराना है। तो हर बार जब भी मैं यूज करती हूँ, मैं बता देती हूँ, जब बेटी कैनेडा आई थी 10-12 साल पहले, तब उसको दिया था, उसने नहीं यूज किया, मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है जी, कोई भी स्टीमर ले लो, अगर आपने स्टीम करके बनाने हैं, कोई भी स्टीमर ले लो। हाँ जी, इधर हमने अपनी कढ़ाई रख ली, कढ़ाई भी हमारी ये देख लो जी, विनोद विनोद कंपनी की है, विनोद सर की कढ़ाई। विनोद सर की कढ़ाई है। इसमें हमने थोड़ा सा घी डाल लेना, बस थोड़ा सा। ठीक है जी, इसमें हमने कर लेना है जी, पहले हमारे ये बादाम डाल देने हैं, हल्के से रोस्ट कर लेने हैं। और ये काजू हमारे जो हैं, ये रोस्टेड ही हैं, ड्राई रोस्ट हैं, और ये ठीक बिना है, नमक के हैं। ठीक है जी। ये हो गए जी। इसी के साथ ही हमने ये हमारा जो है कोपा, नारियल, ठूठी, खोपा, ये सब कर लेना है। साथ में ये कर लेना है हल्का सा किशमिश को, किशमिश को अब हमने इनको निकाल लेना है। ये हमारे हो गए जी। ठीक है, बड़े हल्के से उस पे ही टेम्परेचर पे ये हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाए ना तो ये जल जाते हैं। ये हो गए जी। अब हमने इसको किया कम, ये हमारे मखाने, बस इनको हमने इसी ऑयल में डाल लेना। पहले मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि ये बहुत ख़राब है, ये सारा ही चूस लेते हैं घी। कढ़ाई साफ कर देते हैं। ये देखो, ये लो, लग रहा है इसमें घी था। तो जी इनको हमने कर लेना है। आप ये सारा सामान ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है जी। बस रोस्ट होना चाहिए। बस रोस्ट होना चाहिए। लो जी, इसको हमने कर लिया। ये जी, इसको मैंने थोड़ा इधर कर दिया क्योंकि सेक है ये, बस ठीक है ये जी। नॉर्मल से है, अभी ये गर्म है। जब ये ठंडे हो जाते हैं ऐसे हाथ से दबाओ तो ये टूट जाते हैं, इसका मतलब ये रोस्ट क्रश हो हो गए, गए। क्रश हो गए। ये नॉर्मली बता देती हूँ उनके लिए, जिन बच्चों ने पहली बार बनाना है। हाँ जी, अब है जी ये पैन, इसमें मैंने डाल देना है जी दूध। इसको इसलिए हटाया है क्योंकि ये बहुत शोर डालेगा। ये मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने दूध डाल दिया। गैस मैंने कर दी तेज। ये अब हुआ जी, ये अब इसको मैंने ढक के उबालना उबालना है पहले, ठीक है ये जी। जब उबाला आएगा फिर उसके बाद आगे वाला प्रोसेस करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, ये इधर दूध रखा है जी, ये देखो, इसको मैंने 2-4 बार चला दिया था, ये दूध उबल रहा है। और ये मैंने थोड़े से छोटी इलायची के दाने डाल दिए, आप पाउडर डालो क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना दानों वो का मजा बढ़ाते हैं। दानों का मजा आता है इनको। हाँ जी, ये बॉयल होने लग गया,
अब हमने ये जो बॉयल किया है ये मैं सारा नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने और भी यूज़ करना है इसको। ये मैंने ये डाल दिया इसमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा बस। चलो बस ये देखो ये मैंने इसमें डाल दिया जी। ये अब इसको हमने कड़ने देना है, काढ़ना है नो ऐसी चंगी तरह। इसको मैंने ये ढक देना है आधा ऐसे, बस ये उबलता रहे। अभी तेज है, उबाली आएगी फिर इसको थोड़ा कम कर देना है और इसको आराम से कड़ने देना है, और बीच बीच में से हिलाते रहना है। और इधर आ जाओ जी, हूँ ये जो सा है जी ये मैं मखाने पाते और इनू असी हूँ मखाने पीस लेना। ये ना मखाने बिल्कुल वो नहीं करने, पाउडर नहीं करना, ये देख हाँ विच आ थोड़े जी में रख ले ठीक है। कुछ को मतलब ऐसे पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा टुकड़े टुकड़े हाँ, और थोड़े से मैंने ऐसे रख लिए ठीक है। अब इसको कर दिया, अब इसको अब हम कड़ने देते हैं। अभी इसकी उबाली शुरू हो रही है तो इसको अच्छी तरह काटते हैं, ये गाढ़ी हो जाएगी उसके बाद मिलते हैं आपको। ये लो जी ये बहुत अच्छी तरह कट गई है, गाढ़ी हो गई है। अब हमने इसमें ये डाल देने हैं जी अपने मखाने जो हमने पीसे थे। मैं थोड़ी सी बना रही हूँ खीर। ये मखाने जो हमने पीसे, ये भी गाढ़ी करते हैं हाँ, ये भी गाढ़ी कर देंगे। ये डाल देने हैं और साथ में ही हमने इसमें डाल देनी है जी अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी, जितना आप मीठा खाते हो ठीक है जी। ये हो गया जी बस, और इसी के साथ ही हमने ये ड्राई फ्रूट डाल देना है जी जो रोस्ट करा था। थोड़ा सा इसमें रख लूँगी मैं। तो ये है हमारे मखाने ठीक है बस। अब इसको थोड़ी देर और काटेंगे ठीक है जी। और ये ना बनने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ी नहीं हमने खानी, थोड़ी खीर बनाई है तो खीर की तरह हो, हलवा ना ना लगे हाँ। तो इसको बस थोड़ा सा ही हम एक दो बाली दिलवाएंगे ताकि ये जो मखाने हैं और जो ड्राई फ्रूट है वो इसमें रच जाए और चीनी भी रच जाए ठीक है। इसको बस सिम पे दो मिनट बंद करके रखेंगे, फिर प्लेटिंग करके आपसे मिलते हैं ठीक है। ये काजू ये ड्राई रोस्ट थे ना, ये प्लेट में नहीं थे तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, मैंने कहा नहीं अब डाल देते हैं, काजू तो डालने हैं भाई जरूरी है। लो जी बस दो मिनट और ये कड़ेगी बंद करके, फिर मैंने गैस कर देनी है बंद और इसको इस स्टोव से हटा के उधर रख देना, दो मिनट पड़ी रहेगी फिर प्लेटिंग करके मिलूंगी ठीक है। होए 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 बड़ी फैंसी सी प्लेट में प्लेटिंग करी आज तो। हाँ ये वही प्लेटें हैं जो क्या बात इंडिया से लेके आई हूँ। क्या बात है जी बहुत बढ़िया लग रही है तो। अच्छी बन गई, बस इतनी सी बनाई है ये देखो, सिर्फ इतनी सी बनाई। मेरे लिए कहते हैं हमारा मन नहीं खाने का, फिर मैंने कहा मेरे लिए बना ले। अच्छा बनाया सबके लिए तीनों के लिए। ये लो जी ये भी गर्म है, जरा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर ज्यादा अच्छी लगती है, ठंडी भी अच्छी लगती है। फूंक मार दो, फूंक तो मैं मारूंगी। हमने व्रत नहीं रखा हुआ इसलिए हम अभी टेस्ट कर रहे हैं। सच में जो रोस्टेड करके हमने डाले ना सारे ड्राई फ्रूट। बेटे तू भी आ जा। बहुत बढ़िया उसका काम चल रहा है, उसको बीच बीच में आवाज लगा लेते हैं कभी कभी। बहुत मजेदार A1 10 में से 12 नंबर बढ़िया ना, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। अब आपकी बारी। ए नहीं तुझे दो खिलाए ना, इसको भी दो खिला देती हूँ। अच्छा चलो ठीक है जी, फिर कमेंट आएगा बेटी को कम खिलाते हो। मुझे तीन खिला दो फिर। नहीं 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 अब मैं खाऊंगी। ये वाले जो खीर है ना इसको आपके स्वांग के चावल बोलते हैं, उपवास वाले चावल बोलते हैं, व्रत वाले चावल बोलते हैं, नवरात्रि वाले चावल बोलते हैं। मैं इनको
रूटीन में भी काफी बना लेती हूँ क्योंकि यहाँ मिलते हैं। मैं इनमें पता क्या करती हूँ, कई बार मैं थोड़ा केसर दूध में घोल के इस खीर में डाल देती हूँ और वो थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। तो अगर आप केसर डालते हो व्रत में तो आप भी डाल सकते हो। और कई बार मैं जो सूखा दूध होता है ना, मिल्क पाउडर जो नॉर्मली हमारा पैकेट आता है नेस्ले वगैरह का, तो मैं उसका एक चम्मच खीर में भी डाल देती हूँ नॉर्मली जब मैं बनाती हूँ। आज मैंने नहीं डाला, बिल्कुल व्रत वाली रेसिपी निकाली थी हमने, तो हमने तो मुझे लगता है वो भी तो दूध ही होता है, हम दूध में इसको बना रहे हैं। अब मुझे वो घर के हिसाब से, हाँ मुझे क्लियर नहीं था कि हो सकता है वो प्रोसेस में कुछ और डलता हो, इसलिए मैंने वो नहीं डाला। अगर आपने रूटीन में वैसे बनानी है ये वाली खीर, तो सूखा दूध जो मिल्क पाउडर है उसका एक चम्मच डाल दो, फिर तो क्या मजा आता है और गाढ़ी हो जाती है, और गाढ़ी हो जाती है, थोड़ा इंटेंस हो जाता है फ्लेवर। हाँ जी, चलो जी, आप सब बनाते हो मुझे पता है, जो नवरात्रि रखते हैं वो ये सब चीजें बनाते हैं, ये उनके लिए है, ये जो बच्चे पहली बार बना रहे हैं, जो बेटियां बेटे पहली बार बना रहे हैं, ये उनके लिए है, जो यहाँ अकेले रहते हैं उनके लिए है। हाँ जी, आप बताना आप इसके अलावा इसको इसमें और क्या डालते हो। अगर ऐसे नहीं बनाते तो ऐसे बना के देखना, बहुत टेस्टी बनती है ये वाली खीर। ठीक है जी, खाओ, मजे करो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। ठीक है जी, मिलते हैं हूँ अपनी अगली वीडियो। लेकिन आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना इसके अलावा आप और क्या डालते हो, या आप इसमें क्या चीज़ नहीं डालते, और जो मैंने डाली उसमें से आप क्या नहीं डालते। और अगर आप पहली बार बना रहे हो तो ऐसे बना के देखना, अच्छी बनी तो मुझे, अच्छी बनी नहीं पक्का अच्छी बनेगी, ये गारंटी है पक्का अच्छी बनेगी। तो कमेंट्स में बताना कि हमारी खीर भी अच्छी बनी है। चलो जी, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, मजा करो, मिलते हैं जी अपनी अगली वीडियो। तब तक इतने सारे प्यार के साथ हमारी तरफ से बाय 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 बाय।